खाना खाने के लिए भी जो है बनाने के लिए परेशान हैं, और मैं देख रहा हूँ आज स्कूल में आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर लोग रुके हैं, तो क्या इस विषय पर आप क्या बताना चाहते हैं? ये बड़ी दुख का विषय है ये कि जब पहले ही सरकार ने रेड अलर्ट कर दिया था कि बारिश होने वाली है और बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, गाँव के लोगों को इस बारे में बताया नहीं कि अभी हम रजपुरा में हैं, बाकी जगह पे भी हमें और जाना है जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि घर घर के अंदर पानी घुस चुका है, और जो गांव वासियों से हमारी बात हुई है बता रहे हैं कि जब पानी चारपाई के नीचे आ गया था तब जाके उनको जानकारी मिली कि ये हाल है। ऐसे समय में जब आपने रेड अलर्ट कर रखा है तो आपको कायदे से तो एक कोई गाड़ी यहाँ पे घुमानी चाहिए थी, लाउड अनाउंसमेंट करना चाहिए था, और गाँव वालों को चेतावनी देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अपना महंगा सामान जो भी कीमती सामान है उसके आप ध्यान दें, लेकिन ऐसा प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर्वे हो, यहाँ पे जो जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले, किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। लेकिन सर सर्वे जैसे सर्वे तो टाइम लेगा, लेकिन आज की डेट में क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। डेट में आप देखिए ना, घर पे इस समय लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कपड़े सारे बिछ हुए, खाने के लिए एक दाना नहीं है जी। यहाँ पे प्रशासन को आना चाहिए, यहाँ पे तो एक गाँव वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी गाँव वासियों ने, हमारे गुरुवार भाई हैं, कवि भाई हैं, सब लोगों ने मिलकर जी यहाँ पे राशन इकट्ठा किया है, और यहाँ पे स्कूल में और गुरुद्वारे में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और यहीं पे खाना दे रहे हैं। तो ये काम गांव वासियों का ना होते हुए ये काम सरकार का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा किया नहीं जा रहा। तो इसके मतलब आप सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएँ और उनकी मदद करना चाहिए? होना चाहिए, ये तो एक जनहित का काम है, ये तो सरकार से उठ के, ये तो कोई पार्टीबाजी या कुछ वो नहीं है, ये तो लोगों के हित का काम है जी। समाज सेवा के लिए आगे बढ़ कर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ओके, थैंक यू।